हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम लोग इतिहास के बारे में बात करेंगे, तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं इतिहास की गलियों में, जहां भारत के कर्नाटक राज्य से रानी चेन्नम्मा की वीरता और साहस की कहानी को आज मैं बताऊंगा। भारत के कर्नाटक के बेलगाम के पास एक गांव है जिसका नाम है ककती। वहाँ पर 23 अक्टूबर 1778 को एक संपन्न परिवार में एक वीर बालिका का जन्म हुआ। उस बालिका का नाम रानी चेन्नम्मा था। रानी चेन्नम्मा के पिता धुलप्पा और माता का नाम पद्मावती था। दोनों ही अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे। बचपन से ही रानी चेन्नम्मा को घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी का बहुत ही शौक था और राज परिवार में रहने के वजह से उन्हें अपने इन शौकों को पूरा करने का पूरा मौका भी मिला और उन्होंने इसे बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही कुशल तरीके से सीखा भी। और युवा होते होते अपने युद्ध कौशल की वजह से वह पूरे नगर में प्रसिद्ध भी हुई। कितुर उन दिनों मैसूर के उत्तर में एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य था। यहाँ पर हीरे जवाहरात के बाज़ार लगा करते थे और दूर दूर के व्यापारी यहाँ आया करते थे। रानी चेन्नम्मा युद्ध कौशल सीखते सीखते बड़ी हो गईं और अपनी योग्यता की वजह से काफ़ी चर्चित भी हुईं, जिस वजह से कर्नाटक राज्य के ही प्रसिद्ध देसाई राज परिवार से राजा मल्ला सर्ज का रिश्ता उनके लिए आया और उन दोनों की शादी भी हो गई। देसाई परिवार में खुशियों का दौर चलने लगा, चारों तरफ उत्सव मनाए गए। रानी चेन्नम्मा को कुछ समय के बाद एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई, लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा समय तक नहीं रह सकी। रानी चेन्नम्मा के पति राजा मल्ला सर्ज की मृत्यु हो गई और कुछ समय के बाद उनके पुत्र का भी देहांत हो गया। ऐसे में राज्य के सामने राजा के पद का संकट खड़ा हो गया कि किसे राजा बनाया जाए। कितुर की राजगद्दी रिक्त हो गई थी। तब रानी चेन्नम्मा ने एक पुत्र को गोद लेने का निर्णय लिया। उस पुत्र का नाम शिवालिंगप्पा था। रानी ने अपनी गद्दी का वारिस अपने दत्तक पुत्र को घोषित किया। बेटा गोद लेकर राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के तौर पर घोषणा करने पर एक समस्या पैदा हो गई थी। उन दिनों कर्नाटक सहित पूरे देश में अंग्रेजों का राज था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति की घोषणा कर दी थी। आपको मैं बता दूं कि इस नीति के अनुसार भारत के जिस राजवंशों में गद्दी पर बैठने के लिए कोई वारिस नहीं होता था, उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। दरअसल अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के राज्य को हड़पने के लिए इस नीति को बनाया था। ब्रिटिशर्स ने रानी के गोद लिए गए पुत्र को अस्वीकार किया और गद्दी पर बैठाना नागवार गुजरा और उन्होंने इसे नियमों के खिलाफ बताया और रानी को इसके लिए मना भी किया। रानी ने सोचा कि इस मसले को पहले बातचीत के जरिए हल किया जाए, लेकिन इससे कोई हल नहीं निकला। फिर रानी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं आया। अंग्रेज कितुर पर किसी भी तरीके से कब्जा जमाना चाहते थे। ब्रिटिश राज कितुर के बहुमूल्य खजाने को लूटने का पूरा मन बना चुके थे, जिसके बाद कितुर राज्य और अंग्रेजों के बीच संघर्ष होने लगा और इस संघर्ष ने रानी चेन्नम्मा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नायिका बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। और जब यह तय हो गया कि अंग्रेज नहीं मानेंगे, तो रानी चेन्नम्मा पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए सेना के गठन की तैयारी शुरू की। अंग्रेजों को इसका पता चला और 1824 में दोनों की सेनाएं आमने सामने आ गए। यह ऐसा संघर्ष था जिसमें कित्तूर राज्य ने ब्रिटिश साम्राज्य को कड़ी चुनौती दी। इसका परिणाम पहले से ही पता था, लेकिन यह मसला नतीजे का नहीं आज़ादी से जीने का था। रानी चेन्नम्मा ने फैसला किया, या तो वे आज़ादी से जिएंगी, नहीं तो लड़कर मर जाएंगी। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारतीय महिला के युद्ध कौशल को देखा और उनके होश उड़ गए। अंग्रेजों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ कित्तूर पर हमला किया था। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध के दौरान कलेक्टर और अंग्रेजों का एजेंट सेंट जॉन रानी की सेना के हाथों मारे गए। चेन्नम्मा के सहयोगी अमातूर बेलप्पा ने ब्रिटिश अधिकारियों को बंधक बना लिया था। अंग्रेज ये सब देखकर पीछे हट गए और
उन्होंने वादा किया कि अब युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज़ों ने धोखा दिया और फिर से युद्ध छेड़ दिया। इस बार ब्रिटिश अफसर चैपलिन ने पहले से भी ज़्यादा सिपाहियों के साथ हमला किया। तब फिर से रानी ने अपने सहयोगियों के साथ ज़ोरदार तरीके से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेज़ों के मुकाबले कम सैनिक होने की वजह से उनकी हार हो गई। अंग्रेज़ों ने लड़ाई तो जीत ली, लेकिन चिनम्मा ने उनका इतना नुकसान किया था कि वे लंबे समय तक कित्तूर के युद्ध से उबर नहीं पाए थे। और फिर 21 फरवरी 1829 को रानी चिनम्मा की मृत्यु हो गई। भले ही चिनम्मा आखिरी लड़ाई में हार गई हों, लेकिन उनकी वीरता को लोग आज भी और हमेशा याद रखेंगे। उनकी पहली जीत और विरासत का जश्न अब भी मनाया जाता है। हर साल कित्तूर में 22 से 24 अक्टूबर तक ये उत्सव और जीत का जश्न मनाया जाता है। रानी चिनम्मा की कहानी लगभग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह है, इसलिए इनको कर्नाटक की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। यह पहली भारतीय महिला शासिका थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। रानी चिनम्मा की समाधि बेलहोंगल तालुका के एक पार्क में है, जिसकी देखरेख सरकार करती है। 11 सितंबर 2007 को रानी चिनम्मा की एक प्रतिमा का अनावरण हमारी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा नई दिल्ली के पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में किया गया था, जिसे विजय गौड़ ने तैयार किया था। इसके अलावा कर्नाटक में भी रानी के सम्मान में उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं, और आज भी कित्तूर का राजमहल, किले और दूसरे ऐतिहासिक स्मारक हैं जो इनकी वीरता के साक्ष्य को बताते हैं। इन्हें महसूस किया जा सकता है। इन्होंने जो आज़ादी की अलग जगाई, उससे ढेरों अन्य लोगों ने प्रेरणा ली। रानी चिनम्मा के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वे न सिर्फ महिला शक्ति की प्रतीक हैं, बल्कि प्रेरणा स्रोत भी हैं। और अभी हाल ही में आप जानते होंगे 25 अक्टूबर को कर्नाटक में रानी की जयंती पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई ने धारवाड़ जिले में रानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कित्तूर विकास प्राधिकरण के लिए 50 करोड़ रुपए भी दिए। तो ये थी पूरी कहानी कर्नाटक की रानी लक्ष्मीबाई, रानी चिनम्मा की वीरता की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।